नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्यूबिन पैरों में। दोस्तों, पैरेट का काटना एक से दो दिन में आप बहुत ही आसानी से छुड़ा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे आपका पैरेट एक से दो दिन में ही काटना छोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे पास जो पैरेट है, इसके मुंह में आप कितनी भी उंगली डालोगे दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं काटेगा। अगर ये अपनी चोंच से आपकी उंगली पकड़ भी लेगा तो भी ये बिल्कुल भी नहीं काटेगा दोस्तों, ये देखिए। तो पहले तो कोई भी पैरेट लेके आओ, वो बाइट करता है, पर उसका जो बाइट करना है वो कैसे छुड़ाया जाए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मेरा पैरेट है, ये 7 से 8 महीने का हो चुका है। और दोस्तों, ये पहले काटता था स्टार्टिंग में, जब मैं इसको केज में रखता था तो हाथ में आने से डरता था, कई बार इसने काटा भी मुझे, तो मैंने इसका काटना सिर्फ एक दिन में छुड़ा दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी ये नहीं काट रहा है। अब काटना छुड़ाना तो दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम तो चलो संभाल के इसको पकड़ लेंगे, हाथ में ले लेंगे, पर कई बार घर में बच्चे होते हैं जो कि पैरेट के मुंह में उंगली देते हैं, और पैरेट ऐसे में अगर उनका उंगली काट ले तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है आपके लिए। तो ऐसे में पैरेट का काटना छुड़ाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप अपने घर में पैरेट लेके आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको पिंजरे में डाल देते हैं सिर्फ खाना देने के लिए। इसका पिंजरा खोलते हैं, खाना निकालने के लिए पिंजरा खोलते हैं बस। तो ऐसा पैरेट काटने लग जाता है, वो आपके हाथ से डरने लग जाता है। जिस पैरेट को कभी भी हाथ में ना लिया हो आपने, वो पैरेट जंगली हो जाता है, वो कोई भी उसको हाथ लगाएगा तो तुरंत वो काट लेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, पैरेट को टाइम टाइम पे बाहर निकालना है। जब नया पैरेट आप लेके आते हैं तो उसको टाइम टाइम पे बाहर निकालिए, टाइम दीजिए, हाथ से खाना खिलाइए, जिससे उसको आपके हाथ की आदत हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, एक तो ये तरीका है, दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, अगर उसके बाद भी आपका पैरेट जो है वो काटना नहीं छोड़ता या आपके पास टाइम नहीं होता इतना बार बार पैरेट के साथ खेलने का या कुछ भी करने का, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जब आपका पैरेट काटता है तो इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको पकड़ना है। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपने अपने पैरेट को पकड़ लिया, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपने बिल्कुल जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आपने वैसे अप्लाई किया अपने पैरेट के ऊपर, तो एक दिन में आपका पैरेट काटना छोड़ देगा। पर अगर थोड़ी बहुत कसर रहेगी तो एक से दो दिन में आपका पैरेट काटना छोड़ देगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपने पैरेट को ऐसे पकड़ना है अगर काटता है, पर मैंने तो अभी इस लेफ्ट हाथ में कुछ भी नहीं लिया हुआ है दोस्तों, खाली है, पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में एक लकड़ी या कोई भी प्लास्टिक मटेरियल लेना है। वैसे तो लकड़ी हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ये लेना है। साथ में आपको जब ऐसे अपने पैरेट को पकड़ना है तो हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के रखना है कि आपका पैरेट आपको काट ना पाए, या कोई कपड़ा लपेट लेना है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आप जब कपड़े से पकड़ लेंगे तो वो आपके कपड़े पे काटेगा, बहुत कुछ करेगा। आपको क्या करना है, सिंपली इसके मुंह के पास सीधा लकड़ी लेके जानी, जैसे ये काटेगा फिर लकड़ी लेके जानी, ऐसे ये परेशान हो जाएगा, भागने की कोशिश करेगा, पर आपको बिल्कुल भी हटना नहीं है जब तक आपका पैरेट एकदम थक ना जाए दोस्तों, काट काट के और फड़फड़ा के, तब तक आपको ऐसे करना है जैसे वो काटने की कोशिश करे कहीं भी चोंच, इसके मुंह में ऐसे लकड़ी दे देनी है, ये देखिए दोस्तों, चुपचाप लकड़ी देनी है, ये देखिए दोस्तों। तो आपका पैरेट गुस्से में बहुत पंख फड़फड़ाएगा, काटने की कोशिश करेगा, पर बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अपने पैरेट के मुंह में बस ऐसे लकड़ी देती रहनी है, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे जैसे आप देख पा रहे हैं। इससे गुस्सा आएगा आपके पैरेट को और आपका पैरेट जो है वो लकड़ी को काटेगा, आपको नहीं काटेगा दोस्तों, वो लकड़ी काटना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे करते रहना है। उसके बाद ये आपको 5 से 10 मिनट करना है दोस्तों, उसके बाद आप अगले दिन इसको देखना या उसी दिन थोड़े 1-2 घंटे बाद देखना, थोड़ी सी पास में उंगली करके कि आपको बाइट करता है कि नहीं। ये देखे दोस्तों, पकड़ रहा है पर बिल्कुल भी बाइट नहीं कर रहा। तो ऐसे आपको सिर्फ 2 दिन करना है दोस्तों, 2 दिन में आपका पैरेट काटना छोड़ देगा, क्योंकि जब कोई हार्ड मटेरियल इसके चोंच में जाएगा तो ये समझ जाएगा कि अब ये काट नहीं सकता, क्योंकि आपकी उंगली जब इसके मुंह में जाती है काटता है तो आप जोर से हाथ पीछे करके इसको छोड़ देते हो, इसको आजादी मिल जाती है, तो इसको आदत लग जाती है कि हाँ अगर ये बाइट करेगा तो आप इसको छोड़ दोगे, तो इसलिए आपको बाइट करता है। पर जब इसके मुंह में हार्ड मटेरियल जाएगा, ये काट के थक जाएगा, इसको पता लग जाएगा
कि इसके काटने से कुछ भी नहीं होने वाला है तो ये शांत हो जाएगा, फिर आपको काटेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आपका पैट आपको काटे ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत फायदा उठाना है या अपने पैट को परेशान करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने पैरेट को और करीब लेके आना है, अपना फ्रेंड बनाना है आपको अपने पैरेट को। इसको दोस्तों हाथ से खाना खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, इससे आपका जो पैरेट है वो आपका दोस्त बन जाएगा और कभी भी आपके फैमिली में या आपको किसी को नहीं काटेगा, क्योंकि इसको हाथ की आदत पड़ जाएगी। जैसे आप कहीं भी हाथ लगाओगे इसको आदत पड़ जाएगी इंसान के हाथों की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है काफी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनका काम भी हो जाता है, पर वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।